हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कैट कैम मेरठ। और पावर मिल की सीरीज़ के अंदर ये हमारा आज फोर्थ ट्यूटोरियल है। इससे पहले के तीन ट्यूटोरियल मैं आपको बेसिक टूल्स कमांड्स बता चुका हूँ। आज भी उसके आगे कहीं कोई हम काम करेंगे तो टूल पाथ के अंदर मॉडल एरिया क्लियरेंस मैं बता चुका हूँ, और रेस्ट एरिया क्लियरेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कॉर्नर क्लियरेंस भी कवर कर चुके हैं। और ये तीनों ट्यूटोरियल आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप नीचे से चेक कर लीजिएगा। आज करते हैं मॉडल प्रोफाइल। तो मॉडल प्रोफाइल से जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, आप मॉडल में से किसी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले मैं एक मॉडल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और मैं मॉडलिंग के लिए जनरली एनएक्स को ही यूज़ करता हूँ, एनएक्स के थ्रू ही मैंने ये बनाए हैं। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए मॉडलिंग का, आप सॉलिडवर्क्स हो, एनएक्स हो, क्रियो हो, कोई भी एक मॉडल सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए जिसके थ्रू आप मॉडल को बना पाएँ। ओके, तो ये मैंने एक मॉडल बना रखा है और इसके ऊपर अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मॉडल क्लियरेंस। तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहला काम हम वर्क प्लेन जो है वो सेट करेंगे, मशीन जीरो जो है वो इसी से सेट होगा। तो यहाँ से एक ब्लॉक ले लेते हैं, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब एक तो इधर का जो गैप है ये मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, इधर की साइड इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, इधर की नहीं करना चाहता, सिर्फ इस साइड की करना चाहता हूँ। इसको मैं भी बाद में करूँगा, पहले एक बार हम इसके ऊपर वर्क प्लेन सेट कर लेते हैं। और वर्क प्लेन मैंने यहाँ पर सेट कर दिया जो कि मिडिल पर आ चुका है, और इसको जाके आप एक्टिवेट कर लीजिए ताकि बाई डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पर आ जाए और आपको शो होता रहे। ब्लॉक को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट। ओके, तो ये हमारा एक काम हो चुका है। नेक्स्ट टूल है तो मैं एक टूल लेता हूँ, पर टूल ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से एंडमिल ले लीजिए, और एंडमिल मेरे को यहाँ से चाहिए 10 का, 50 की इसकी हाइट, और यहाँ से शैंक और होल्डर आप ऐड कर सकते हो, है ना। यहाँ से क्लिक करिएगा, आपको शैंक मिल जाएगा और होल्डर, पर अभी हम छोड़ देते हैं इसको, मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ, बस सिंपल क्लोज़ कर दीजिए, टूल मेरा डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ से टूल पाथ में जाता हूँ, और यहाँ पे है मॉडल प्रोफाइल, मॉडल प्रोफाइलिंग में जाएंगे और ओके करिए। यहाँ पे आने के बाद वर्क प्लेन, ठीक है, अब देखिए जब आप ब्लॉक में आएंगे ना तो ब्लॉक में आने के बाद आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे मैं इधर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, इसको आप इंक्रीज़ कर दीजिए, ये वाली जो डिस्टेंस है इसे मैंने 75 कर दिया, एंटर, इंक्रीज़ हो गया थोड़ा सा, टॉप करता हूँ, ये देखिए, ओके इंक्रीज़ हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑटो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ तक टच हो रहा है, पर मैं इसे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैंने इसे कर दिया -75 इस तरफ से थोड़ा सा, क्योंकि टूल यहाँ पे प्रॉपरली टच करता हुआ ही जाएगा, है ना, प्रॉपरली कट नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बना लिया। तो टूल, ये जो ब्लॉक था वो मेरा आ चुका है, इसकी ओपासिटी आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो कि 100% ट्रांसपेरेंट हो गया, सिर्फ लाइन्स दिख रही हैं, और इधर करेंगे बिल्कुल डार्क सॉलिड हो जाएगा। ये स्टॉक है हमारा, इसकी ओपासिटी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ से ड्रॉ अगर आप इसे हटा देंगे तो बनेगा ज़रूर, आपका स्टॉक डिफाइन हो चुका है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आप चाहते हैं दिखाई दें तो आप ड्रॉ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको दिखाई भी देगा। नेक्स्ट टूल, टूल ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, 2 नंबर का टूल है मेरे पास, एक ये मेरे से जो गलती से 1 पे क्लिक हो गया था, ये वो वाला टूल है। कभी भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। टूल्स में जाएंगे तो टूल्स में एक टूल ये है और एक ये है, आप इस पर राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट टूल। तो एक नंबर का टूल जो है गायब हो गया, अब सिर्फ 2 नंबर का टूल ही मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद आप डायरेक्टली आ जाइए मॉडल प्रोफाइल में, और यहाँ से कट है, किस टाइप का कट आप लेना चाहते हैं, थिकनेस 0 तो स्टॉक कुछ भी नहीं छोड़ रहे, फिनिश करता हुआ ही जाना चाहिए, उसके लिए है यहाँ से। स्टेप कटिंग कुछ नहीं ले रहे, कट की डायरेक्शन भी कुछ नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली अपना आप ले लेगा, वॉल फिनिशिंग भी अपना आप ले लेगा, इसमें भी मैं कुछ नहीं डाल रहा। ओके, अच्छा, तो अभी आप इसे सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो
ये थोड़ा सा टाइम लेगा कैलकुलेट होने में। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक का हिट बटन दबाइए, और ऑनलाइन अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पावर मिल की हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आप देखिए ये इस टाइप से इसकी प्रोफाइलिंग पूरी आ जाएगी, घुमा कर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ओके, तो ये आ तो रहा है प्रॉपरली। अब इसके अंदर मेरे से एक तो गड़बड़ी होगी, इसकी जो डेप्थ ऑफ कट थी वो मैंने बहुत कम ले ली है, जिसकी वजह से इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इसे कैलकुलेट होने में। एक दूसरा, अगर मैं नहीं चाहता कि ये पूरा कट करे या सिर्फ इधर का हो या इस तरफ से सिंपल एक ही साइड का, ये प्रोफाइलिंग करना चाहिए मॉडल प्रोफाइल के थ्रू, सिर्फ एक ही पॉकेट को प्रोफाइल करना चाहता हूँ मैं, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे। ओके, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ अभी, तो फिलहाल के लिए ये मेरा ओके हो जाएगा। और इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो टूल पाथ में जाके आप इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, है ना, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके भी, या मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट हो गया। मैं एक नया टूल पाथ बनाता हूँ और मैं सिर्फ इसे कट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी। तो बाउंड्री यहाँ से लेनी है, बाउंड्री ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको बाउंड्री क्लियर हो जाएगी तो आप कहीं सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मॉडल क्लियरेंस में भी यूज़ कर सकते थे, रेस्ट मिलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आगे फिनिशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बाउंड्री का क्या काम है, आप किसी स्पेसिफिक बाउंड्री को डिफाइन करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही कटिंग होना चाहिए, इतने से पोर्शन के लिए ही टूल पाथ जनरेट होना चाहिए, तब हम इसे यूज़ करते हैं। क्रिएट बाउंड्री में जाइए, और क्रिएट बाउंड्री में जाने के बाद मैं यहाँ से रहता हूँ यूज़र डिफाइन। तो यूज़र डिफाइन मुझे सबसे ज़्यादा ठीक यही लगता है, क्योंकि इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं कहाँ से टूल पाथ चलना चाहिए और कितना ही आपका बाउंड्री बने। तो आप यहाँ से लेंगे कर्व मॉडलिंग, ठीक है, कंपोजिट कर्व में आके, और हमने क्लिक किया यहाँ पे, और इधर से डायरेक्शन रिवर्स जा रही है, तो यहाँ से आप इसे फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप हो जाएगी डायरेक्शन, और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये रेड वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये हमारी बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है, क्लिक और क्लिक और ये बस। इसके आगे मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे ओके करना है। ओके हो गया, और ओके करने के बाद आपको यहाँ से भी इसे एक्सेप्ट करना है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसके बीच वाले पोर्शन को एज ए बाउंड्री डिटेक्ट करेगा, क्लोज करेगा, और उसके बीच में हम काम कर पाएंगे, और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एक मेरी बाउंड्री मिल गई है। ऐसे ही आप दूसरी बाउंड्री यहाँ पे भी ले सकते हैं, पीछे की तरफ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। यहाँ से जाते हैं और यही ऑप्शन मैं लेने वाला हूँ, मॉडल प्रोफाइल, मॉडल प्रोफाइल में जाने के बाद सबसे ऊपर वर्क प्लेन ऑलरेडी सेट हो चुके हैं जो कि ऊपर है, ब्लॉक मेरा डिफाइन है ही ऑलरेडी, टूल टूल भी जो हम यूज़ करते हैं वही यूज़ करने वाले हैं, टूल भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से लिमिट में आना है आपको, और लिमिट में लिमिट हमारी जो है बाउंड्री, वो बाउंड्री है वन, ये बाउंड्री वन हो जाएगी। और ट्रिमिंग कीप इनसाइड, यहाँ से आपको ट्रिमिंग मिल जाएगा, और कहाँ पर चलना चाहिए, ये टूल है, टूल आपकी बाउंड्री के ऊपर चलना चाहिए तो आपको ये रखना है, टूल इसके मिडिल पे चलेगा, और अगर आप इसकी पैरी फैरी पे चलाना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर दीजिए। मॉडल प्रोफाइलिंग थिकनेस 0, और इसको मैं थोड़ा सा कम कर या बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, पहले इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था इसलिए मैं इसको अब 1 कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे आ गया है, और यह थोड़ा सा फास्ट भी हो गया है पिछली बार से, तो अब ये सिर्फ इसी को ही प्रोफाइलिंग कर रहा है, ठीक है। इसमें और सेकंड वाले में जो डिफरेंस था वो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, मॉडल एरिया क्लियरेंस के अंदर पूरा कट होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ जा रहा है और डेप्थ में जाता हुआ कट कर रहा है, ये इसमें मेन डिफरेंस है। और इसे करते हैं क्लोज, और इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं, सिमुलेशन में जाएंगे, और कौन सा है ये हमारा टूल पाथ, टूल, और व्यू में यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं, और प्ले,
हम देखिए कट करता हुआ जा रहा है नीचे, टॉप से देखेंगे तो देखिए ओके पैरी पैरी को टच करता हुआ जा रहा है। तो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज हैं अगर आपकी या कोई डाउट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और उसका पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। और ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।